नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका बाजार शास्त्र में। कहते हैं शेयर बाजार बहुत डायनामिक है, इसमें कोई भी एक्टिविटी स्टैटिक नहीं होती, लेकिन क्यों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद ऐसी लगती है जैसे किसी को पता है, कोई ड्राइविंग फोर्स होता है जो कई बार स्टॉक मूवमेंट को चढ़ा भी सकता है और गिरा भी सकता है। इन शॉर्ट, ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स क्या होते हैं, क्या करना चाहिए ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स में, या फिर एक टर्म ऐसी भी है जिसे बोला जाता है ट्रेडर फैंसी काउंटर्स। क्या होते हैं ये काउंटर्स, इनमें क्या करना चाहिए, समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट सुनील मिगलानी बने हुए। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक्चुअली ये टर्म होती है, कई बार सुनते हैं व्यूअर्स, हम लोगों से शायद टीवी पे सुन सकते हैं या फिर कोई भी कहीं भी किसी भी सोर्स से सुन सकते हैं कि ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, ये ऑपरेटर स्टॉक को चढ़ा रहा है। ये क्या होता है एक्चुअली, और ऐसे स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कोई ये कहता है कि ऑपरेटर स्टॉक को चला रहा है तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। पहली बात तो ये, राइट, ऑपरेटर को मान लेना सबसे अच्छी बात है, अगर आप मान लेते हैं कि कोई ऑपरेटर है। ओके, देखिए मैं इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। आप किसी भी बिजनेस में कोई ना कोई ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर क्या होता है पहले हम इसको समझें। ऑपरेटर होता है जो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट, यानी चढ़ा भी सकता है और गिरा भी सकता है। जो मार्केट की टर्म्स को, जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकता है, वो ऑपरेटर होता है। हर बिजनेस में जितने भी आपके व्यूअर हैं, देखने वाले, उनके जो भी काम करते होंगे, वो हर बिजनेस में ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर वो होता है जिसके पास पैसे का साइज थोड़ा बड़ा है, जो इतना पावरफुल है कि वो किसी भी तरह से प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो ऑपरेटर होता है। अब मारुति है, मान लीजिए लीडर है वो मार्केट में, आज अगर वो अपने प्राइसेस को एकदम से स्लैश कर देता है तो दूसरी कंपनियां जो सामने हैं उसके, उनको भी एक बार तो प्राइस गिराना पड़ेगा, यानी उनके कॉम्पिटिटर्स को, या फिर उनके उनसे नीचे अगर भी है या जो भी उनकी, तो मारुति ऑपरेटर हो गया, मारुति ऑपरेटर हो गया। एयरटेल है, आज वो टेलीकॉम में लीडर है, आज कल को वो कहता है मैं 20 पैसे की कॉल कर दूंगा, तो उसके सामने कितनी कंपनियां कितने दिन नहीं करेंगी, आप बताइए। राइट, आपको सबको करनी पड़ेगी, बिकॉज़ यू हैव टू बी इन द मार्केट, देन यू हैव टू बी इन द सिस्टम, वो ऑपरेटर हो गया। तो जब भी हम बात करते हैं ऑपरेटर होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारे लोग उसको वो गलत सेंस में ले जाते हैं। देखिए, ऑपरेटर स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर है, एक्चुअली बहुत स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर है, आपसे और मेरे से बहुत ज्यादा स्मार्ट है वो। पैसा भी है उसके पास। ऑपरेटर हमने उसको नाम दे दिया, हम ये सोचते हैं कि कोई बुरी चीज होती है ऑपरेटर। ऑपरेटर बुरी चीज नहीं होती, बुरी चीज वो होती है कि कोई 3-4 लोगों का ग्रुप मिलके और किसी स्टॉक को अनजेन्युइनली मैनिपुलेट करे, और ज्यादातर वो ना बहुत ही छोटे स्टॉक, पैनी स्टॉक्स जो होते हैं उनमें होता है, जिनमें वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, मार्केट कैप बहुत छोटा होता है, उनके अंदर होता है। हम उनकी बात ही नहीं कर रहे, और हम ये हमेशा सलाह देते हैं कि उनमें काम नहीं करना चाहिए। राइट, अगर आप अच्छे लिक्विड स्टॉक्स की, जिनका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, अच्छे नामी कंपनी है, उनमें ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर इन्वेस्टर है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर जिसको उसकी मार्केट के बारे में, उस स्टॉक के बारे में, उस कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज है, पूरा सिस्टम पता है उसको, उसको समझ है, वो आपसे पहले एक्शन करेगा, आपसे पहले टाइम लेगा, आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो आपके एक्शन भी उसके साथ होंगे बिल्कुल, और वो अच्छे होंगे। यानी वो कोई गेस वर्क नहीं चलाता, वो अपनी पूरी रिसर्च पूरी करके काम करता है, वो पूरी रिसर्च करके काम कर रहा है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, जैसे हम भी ने भी किया बात, हम जब प्राइस को फॉलो कर रहे हैं तो एक्चुअली हम इनडायरेक्टली उस स्मार्ट इन्वेस्टर को फॉलो कर रहे हैं जो हमसे पहले एक्शन करेगा। यानी पहला सवाल हमारा ये क्लियर हुआ कि ऑपरेटर क्या होता है, कौन होता है ऑपरेटर। दूसरा, उसको फॉलो करना गलत नहीं है, लेकिन पता कैसे चला जाए कि ऑपरेटर यहाँ काम कर रहा है? देखिए, जैसे हमने बोला, हम प्राइस को फॉलो करते हैं। आज अगर कोई ऑपरेटर, कह लीजिए आप इन्वेस्टर, मैं ऑपरेटर वर्ड यूज नहीं करता हूँ, एक्चुअली इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट मनी, एक्चुअली स्मार्ट मनी जहां पे भी मूव कर रहा होगा तो प्राइस में उसका रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा डे बाय डे। उसके हिसाब से हम लोगों को मालूम चलता है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी का फ्लो है, यहाँ पे स्मार्ट मनी जा रहा है। इट मीन स्मार्ट मनी जो है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो बहुत आगे का देख रहा है। हम लोगों को डर लगता है, ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक बोलते हैं, कोई भी लोग कुछ भी बोलता है कि हाँ मार्केट में बहुत डर लग रहा है मुझे, कल मार्केट गिर ना जाए, 500 पॉइंट नीचे आएगा, मैं क्या करूंगा। आप ये सोचिए, लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, आप ये सोचिए कि आपका क्या लगा है उस स्टॉक में। आपने 50,000 का माल लिया होगा, 1,00,000 का माल लिया होगा, उसने 100 करोड़ का माल भी लिया हो सकता है। राइट, उसकी पोजीशन बहुत बढ़िया है, पहले निकलेगा आपसे जी, आपके उस पूरे हवाई जहाज में एक कील लगा है सिर्फ। राइट, आप डर रहे हैं कि वो गिर जाएगा। अरे गिरेगा तो उसको भी तो पहले पता चलेगा ना, पहले वो निकलेगा। एक्चुअली अगर आपको वो निकलता दिखता है तो आप भी एग्जिट कर लीजिए। राइट, आपको
यही इंडिकेशन है। और वो कैसे पता चलेगा कि एग्जिट कर रहा है? आपका प्राइस बोल जाएगा, यानी आपके प्राइस में रिफ्लेक्शन दिखने जाएगा कि कोई ना कोई अपना हाथ पीछे खींच रहा है, और वो कितना बड़ा हाथ है जिससे इन्फ्लुएंस प्राइस जरूर होगा। तो यानी ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक हो या फिर ट्रेडर फैंसी काउंटर्स भी कह सकते हैं। बिल्कुल, ट्रेडर फैंसी काउंटर थोड़ा अलग टर्म है। एक्चुअली ट्रेडर फैंसी काउंटर वो काउंटर होते हैं जिनमें शॉर्ट टर्म के ट्रेडर बहुत काम करते हैं, जिनका वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, चाहे उनके अंदर कोई मूवमेंट ना हो, चाहे वो साइडवेज हो, चाहे कोई ट्रेंड ना हो, लेकिन उनमें मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, उनके अंदर वो ट्रेडर काम करते हैं छोटे छोटे मूवमेंट के लिए, उसको हम ट्रेडर फैंसी काउंटर कहते हैं। प्रॉब्लम एक और है सुनील की, जिस तरह आपने बताया कि प्राइस मूवमेंट को आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, यानी खरीदारी बनती है, लेकिन बहुत सारे और बाजार में ऐसे इमोशंस हैं, हमारे अपने ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसे इमोशंस हैं जो शायद हमें कई बार सही तरह से सही स्टेप नहीं लेने देना चाहते। इनफैक्ट एक व्यूवर ने हमसे ऐसा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, बहुत बेसिक सवाल है। गहान मुंजानी जी हैं जिन्होंने अपना ईमेल के जरिए हमें सवाल भेजा है कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। हाउ डू वी कंट्रोल आवर इमोशंस इन स्टॉक मार्केट? देखिए, हमने लास्ट टाइम बहुत बात किया इमोशंस के ऊपर कि हमारे काफ़ी इमोशंस हैं जो हमें दिक्कत करते हैं हम जब मार्केट में काम करने जाते हैं। हमारा कहना उनको ये है, जो भी आपके व्यूअर हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, हमारा कहना ये है कि इमोशंस को कंट्रोल करने की मत सोचिए, क्योंकि इमोशंस को आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इमोशंस को हमेशा मारना पड़ता है, उनको आप खत्म कर दीजिए, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप जी, आप उसको मार दीजिए। अच्छा। मारने का तरीका क्या है? मारने का तरीका यह है कि उसको किसी चीज से कनेक्ट कर दीजिए। मैं समझाता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे इमोशंस को मारा जा सकता है। मारा ऐसे जा सकता है कि आप किसी दूसरी चीज को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने बोला, हम स्मार्ट इन्वेस्टर को या प्राइस को फॉलो करते हैं। अभी हमारा प्राइस हमें बोल रहा है कि बाहर निकल जाइए, और मैंने मान लिया कि मैं झूठ भी हो जाएगा, मैं अपने प्राइस को मानूंगा, तो फिर मेरे पास इमोशंस की कोई जगह ही नहीं है जी। मेरे पास कोई इमोशन की जगह नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइस को मानना है। तो जब मैं उस चीज से अपने को बांध लूंगा तो मेरे पास इमोशंस की जगह नहीं रहेगी, इमोशंस मेरे मर जाएंगे, होंगे जरूर। देखिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं जी, उसमें गाड़ी चलाने में आप अपने इमोशंस का सहारा लेते हैं कि मेरे को अभी मुड़ना है, रेड लाइट आ गया, मुझे रुकना है। आप सारे फैसले अपनी आंखों से देख के लेते हैं, आप देख रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, फिर आप फैसला ले रहे हैं कि मैं रुक जाऊं, अभी मैं यहां से निकल जाऊंगा, ये हो जाएगा। आप गाड़ी के ड्राइवर हैं, आप ये कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोई 10 मिनट में पहुंचना है, आपको शायद मुझे क्लीन रोड मिल जाए, नहीं मिल सकती, हो सकता है ट्रैफिक लाइट भी हो, अनयूजुअल ट्रैफिक भी हो। आप सारे फैसले इमोशन से लेते हैं अपने, वहां पे कहीं भी आंखों से देख के फैसले लेते हैं, आप गाड़ी के ड्राइवर हैं। अब मैं आपको कहता हूं, अगर आप एरोप्लेन के पायलट हैं तो भी आप क्या आंखों से देख के फैसला ले सकते हैं? नहीं ले सकते। एक्टिव तो रहना पड़ेगा आपको, आप एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। आप अगर एरोप्लेन के पायलट हैं, वहां पे इमोशन काम नहीं आएंगे, वहां पे आपके पास आपका सिस्टम है। आप किसी ऐसे एरोप्लेन के अंदर जाना चाहेंगे जिसका पायलट जो है नीचे देख के लैंड करता हो? नहीं जाना चाहेंगे ऑब्वियसली। वो क्योंकि अगर वो आपको बोले मैं देख के लैंड करूंगा, आप बोलोगे मैं नहीं आऊंगा। देख के कैसे? आप जमीन से 25,000 फुट की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, वहां पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यानी इमोशंस डेड हो गए आपके। अब क्या है आपके पास? आपका सिस्टम, सिर्फ स्क्रीन है आपके, सिर्फ आपके पास एक मीटर लगा है, स्क्रीन लगी है, वो आपको बता रही है आप इतनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, आपका टारगेट यहाँ है, आपको यहाँ उतरना है, आप नीचे आइए, आप ऊपर जाइए। वो पायलट सिर्फ और सिर्फ अपना एक सिस्टम देखता है, उस सिस्टम को फॉलो करता है। हमारे पास यहाँ पे स्टॉक मार्केट में काम करना भी बिल्कुल एरोप्लेन के पायलट की तरह है। हम तो आपको वही करना है जो आपकी स्क्रीन कहती है। इस तरह से आप अपने इमोशंस को यानी मार सकते हैं कि डू व्हाट योर प्राइस टेल्स यू, चाहे जो भी इमोशन आए। आज मुझे अगर इतने का लॉस हो रहा है, डर भी लग रहा है, लालच भी आ रहा है, और शायद और गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन इमोशन उस वक्त यही रखना है कि प्राइस जो कह रहा है, भाव भगवान छे, अगर प्राइस आपको कह रहा है कि यहाँ सौदा काटना है तो आपको काटना ही है, चाहे उस दिन शायद आपको सौदा घाटे में लेकर जाना पड़े। बिल्कुल, इस तरह से इमोशंस को मारना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था। इनफैक्ट अब आपने जिस तरह से बात छेड़ दिया कि स्क्रीन पर यानी चार्ट देकर चार्ट एनालिसिस भी सीखेंगे सुनील से, इनफैक्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या है, क्या है रियल और फॉल्स ब्रेकआउट, इस तरह के कई और टेक्निकल टर्म्स भी सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा आप, देखते रहे बाजार शास्त्र।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और टेक्निकल एनालिसिस की जब बात की जा रही हो, यानी स्टॉक मार्केट को जब समझना हो तो चार्ट क्या बोलता है, प्राइस क्या बोलता है। कई बार सुनील हमें ये बोलते हैं, चलिए उनसे सीख ही लेते हैं कि प्राइस को पढ़ना कैसे है। प्राइस को पढ़ने में बहुत सारे टर्म्स हम यूज़ करते हैं सुनील, जैसे कि रेंज, बहुत कॉमन टर्म्स है, बहुत कॉमन टर्म है। कई बार हम एक्सपर्ट्स को सुन रहे होते हैं कि ये प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है, किस तरह से समझ आए कि ये रेंज क्या होती है। देखिए, रेंज होता है जब प्राइस किसी प्राइस बैंड में फंसा होता है। जैसे आप एक बॉक्स में एक बॉल डाल दीजिए, वो नीचे ऊपर आएगी जाएगी लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगी, ना ऊपर ना नीचे। प्राइस ऐसे एक बैंड में होता है, वो नीचे भी टकराता है ऊपर भी टकराता है। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, आप देखिए। जैसे ये एक प्राइस है, ये यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर आके इसने नीचे की तरफ इस रेंज को काट दिया। तो यानी कि इस पूरे दौरान ये इस रेंज में रहा है, इसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज के अंदर जब भी स्टॉक होता है, उस स्टॉक में हम काम करने की सलाह नहीं देते किसी को भी, क्योंकि रेंज में आपको मालूम नहीं चलेगा कि आप वो कब कहां से जो है आ जाएगा वापस। रेंज में काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर कोई ऐसा ट्रेडर है जिसको ट्रेड करना ही है उस स्टॉक में, तो उसमें काम करने का एक तरीका सिर्फ ये है कि जब भी रेंज के हायर साइड पे मिलता है आपको, आप वहां पे सेल करके चलिए। रेंज के लोअर साइड में मिलता है, वहां पर आप बाय करके चलिए, और इन बिटवीन उस पे कभी भी काम मत। यानी रेंज एक बहुत ही कंफ्यूजन की स्टेट है, शायद कंसोलिडेशन का फेस कह सकते हैं उसे। कंसोलिडेशन का फेस है जिसमें ये क्लियर नहीं आएगा कि खरीदा कब जाए या फिर बेचा कब जाए, तो ऐसी स्थिति को अवॉइड कर दिया जाए। इनफैक्ट एक और सुनील टेक्निकल टर्म है, इनफैक्ट इससे जुड़ा एक व्यूअर का सवाल भी है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। ब्रेकआउट किसी भी रेंज का ऊपर की तरफ टूटना, उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट, और किसी भी रेंज का नीचे की तरफ टूटना, उसको हम बोलते हैं। यानी रेंज के बाद का दूसरा जस्ट इमीडिएट स्टेप आता है, ब्रेकआउट डिटेक्ट करना या ब्रेकडाउन डिटेक्ट करना। ये एक रेंज है, इस रेंज से ये स्टॉक बाहर नहीं जा पा रहा है, लगभग 6 महीने तक ये स्टॉक इसी रेंज में खड़ा है। जिस दिन ये यहां से बाहर निकला, इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। राइट, ये एरिया ऐसा है जहां पर आपको ये स्टॉक बाय कर सकते हैं आप, क्योंकि अब आपको ये मालूम चल गया कि ये एरिया किसी भी वजह से टूट गया है, तो अब वो स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है जी। तो रेंज के बाहर निकलने के बाद हम उस स्टॉक को बाय करते हैं, और उस रेंज का ही हम स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं हमेशा जी। यानी रेंज से जब ऊपर जाता है तो वो ब्रेकआउट होता है, और जब रेंज को तोड़ के नीचे स्लिप कर जाता है, हाँ, तो नीचे वो ब्रेकडाउन होता है। हाँ, जैसे ये एक चार्ट है, आप देखिए, अभी देखा है हमने पहले, ये एक रेंज बना हुआ है, ये रेंज से नीचे निकल गया स्टॉक। जब ये रेंज से नीचे निकल गया, तो हम अगर इसको यहाँ पे सेल करते हैं और इस एरिए का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो हमें काफी अच्छा मुनाफा आ सकता है। लेकिन रेंज के अंदर जब ये स्टॉक रहता है, तो उसमें काम करने का कोई फायदा नहीं होता बहुत बड़ा। इसीलिए रेंज से बाहर निकले ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब उस स्टॉक के अंदर हमेशा एंट्री लेना चाहिए जी। बिल्कुल, इनफैक्ट सुनील, ये सवाल जो है हमारे एक व्यूवर की तरफ से आया था, उनकी जो क्वेरी है वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से जुड़ी ही हुई है, इसलिए पहले जरूरी था कि समझ ले ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता क्या है। हमारे साथ राहुल है पुणे से फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार शास्त्र में, पूछिए अपना सवाल। एब्सोल्युटली सुनील जी, धन्यवाद, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्रियंका जी भी मेरे फेवरेट होस्ट है जी न्यूज पे जी जी। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन था कि ये जो टेक्निकल बोलते हैं क्या ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ वन शुड रिकॉग्नाइज कि ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है और ये रियल ब्रेकआउट है जी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल अपना सवाल पूछने के लिए, बाजार शास्त्र को कंटिन्यूअसली देखते भी हैं, इनका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो से जुड़ने का, सवाल पूछने का, रियल और फॉल्स ब्रेकआउट क्या है। ब्रेकआउट आपने समझाया अभी सुनील, लेकिन ये क्या ऐसी भी टर्म्स होती हैं, रियल ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट। देखिए, होता है कई बार ऐसा, मार्केट जैसे किसी भी जगह जाना होता है, उस जैसे अभी हमने बात किया, वो रेंज से जब बाहर निकलेगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो हम उसमें ट्रेड करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो रेंज से ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है और वापस उस रेंज में आ जाता है जी। उसको हम बोलते हैं फॉल्स, वो फॉल्स एक्शन है एक्चुअली। वो कहीं कोई स्टॉप लॉसेस की वजह से, कहीं कोई एग्रेसिव कुछ काम हुआ है उसमें ट्रेडर की वजह से, एक बार एक वो फॉल्स मूवमेंट आया, मार्केट आपको छकाने के लिए जिसको कहते हैं, एक बार ऊपर गया और आप वहां जैसे ट्रैप हुए वैसे वो अंदर आ गया। यानी अगर किसी कोई चार्ट पढ़ रहा है, उसे एक बार समझ में आया कि शायद ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी स्टॉक रेंज को तोड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक 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 ट्रैप था जिसमें वो फंस जाता है और फिर वो नीचे आ जाता है। जैसे आपको एक चार्ट दिखा देता हूं मैं, ये चार्ट है मेरे सामने, इस रेंज से ये स्टॉक, ये मैंने दो लाइन लगाया है इस स्टॉक पे, इस रेंज से ये स्टॉक बाहर निकला है,
लेकिन सस्टेन नहीं किया है एक भी दिन, एक दिन सस्टेन किया है उसके बाद वापस आ गया। फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन का एक सबसे बड़ा पहचान मैं आपके व्यूअर को बताना चाहता हूं कि वहां पे वो सस्टेन नहीं करेगा कभी, वो इमीडिएटली एक या दो दिन में ही वापस आ जाएगा। तो यानी क्या करना चाहिए, हमेशा कॉशियसली आप जब ब्रेकआउट दे देता है कोई स्टॉक, आपको कॉशियस रहना चाहिए उस टाइम पर भी, एक या दो या तीन दिन वेट करना चाहिए, एटलीस्ट माइनस तीन दिन कहा जाता है शायद। हाँ, दो तीन दिन होना चाहिए वेट आपको। एक दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो ब्रेकआउट अगर किसी ट्रेंड की साइड में है, मान लीजिए स्टॉक ऊपर जा रहा है और एक जगह खड़ा हुआ और रेंज से ऊपर काटा उसने, तो उसके सही होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जी, नीचे की तरफ आ रहा है और ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ है तो उसके सही होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर ऑपोजिट साइड में है, आपको थोड़ा कॉशियस रहना है जी, सस्टेन करने का वेट करना है दो तीन दिन। अगर रेंज काट के वो सस्टेन कर रहा है तो उसमें आप ट्रेड लीजिए, यानी यहाँ बहुत जरूरी आपको कॉशियस होना पड़ेगा। ट्रेंड में अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है देन इट्स फाइन, डाउन ट्रेंड में अगर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है देन ऑल्सो इट्स फाइन, लेकिन अगर ट्रेंड के ऑपोजिट मिल रहा है तो ये ट्रैप हो सकता है। जैसे इसी स्टॉक में देखिए, ट्रेंड नीचे का है इसका, ब्रेकआउट हुआ फॉल्स, अगले दिन अंदर आ गया और फिर ये नीचे गिर गया जी। तो इसमें अगर मान लीजिए किसी ने ट्रेड ले भी लिया तो उसको स्टॉप लॉस उस रेंज के अंदर का जरूर रखना है। अगर आप ट्रेड यहां ले चुके हैं, जैसे ही वो रेंज में वापस आता है आपको वहां से एकदम से एग्जिट लेना है, क्योंकि अब ये मालूम चल चुका कि ये जो मूव आया था ये फॉल्स मूव था। राइट, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। क्या इसमें सुनील किस तरह से इस ट्रैप को समझ सकते हैं? यस, आपने बताया दो तीन दिन का मूव तो आपको ध्यान देना ही होगा, क्या वॉल्यूम का भी रोल इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है? वॉल्यूम एक्चुअली कैसे हेल्प करते हैं प्राइस की मूवमेंट को समझने में? वॉल्यूम का रोल इतने छोटे लेवल के ऊपर नहीं देख सकते हैं हम। वॉल्यूम का रोल देखिए ऐसा है, जब भी कोई ट्रेंड चल रहा होता है हम ये मान के चलते हैं, और हमारा टेक्निकल एनालिसिस इस बात को मान के चलता है कि अप ट्रेंड कोई भी है या डाउन ट्रेंड कोई भी है, उसमें वॉल्यूम जो है जब भी ड्राई होने लगते हैं, जब भी कम होने लगते हैं जी, तो वो ट्रेंड एग्जॉस्ट हो जाता है उस जगह। अच्छा, वो ट्रेंड एग्जॉस्ट हो जाता है। ट्रेंडिंग मार्केट में कभी भी वॉल्यूम ड्राई नहीं होना चाहिए। ड्राई वॉल्यूम होता है इस तरह की साइडवेज रेंजेस में, जहां रेंज बन जाता है वहां वॉल्यूम थोड़ा ड्राई हो जाता है, यानी एक्टिविटी कम हो जाती है, एक्टिविटी कम हो जाती है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है खरीदने में हो चाहे बेचने में। लेकिन अगर आप एक स्टॉक को देखिए, स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है और पहले ठीक वॉल्यूम था और अचानक से एकदम वॉल्यूम ड्राई हो गया, यानी कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो इंटरेस्ट नहीं है अब उनका स्टॉक को उसको लेने में। मैं एक चार्ट दिखाता हूं आपको, आप देखिए। तो दैट मींस वॉल्यूम इज वेरी बिग इंडिकेटर टू एसर्टेन दिस थिंग कि इस स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली होनी चाहिए या नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। अब ये देखिए, ये स्टॉक है, इसमें यहां से ट्रेंड चल रहा है ऊपर का यहां तक, इसमें यहां ये देखिए नीचे वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास, यहां तक ठीक वॉल्यूम है। अब इस एरिया से जो मैंने ये लाइन लगाया है, इस एरिया से इस एरिया तक ये प्राइस है 2100-2000 रुपए का और ये है 28,000। 2100 रुपए से 2800 रुपए तक स्टॉक आ गया और आप यहाँ वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम डिप करते जा रहे हैं जी, डे बाय डे वॉल्यूम ड्राई होता जा रहा है। इट मींस वो स्मार्ट इन्वेस्टर का इंटरेस्ट खत्म हो गया है उसके प्रति, यानी प्राइस मूवमेंट दिख रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम पार्टिसिपेशन जो है वो लो होता जा रहा है डे बाय डे। ये अच्छा साइन नहीं है जी। आपको उस स्टॉक में जिसमें मूवमेंट तो हो रहा है ऊपर या नीचे लेकिन वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन नहीं है, उसमें कॉशियसली काम करना है। वॉल्यूम का रोल इस जगह बहुत हो किसी भी ट्रेंडिंग में। अब देखिए इसी स्टॉक में देखिए आप, जब ये 28,000 हुआ उसके बाद वॉल्यूम ड्राई कर रहा था, एकदम से इसमें क्रैक आ गया, यानी कि वो स्मार्ट इन्वेस्टर, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे जी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है जहां पे वो स्मार्ट इन्वेस्टर अपना जो उसका माल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी तरीके से, वॉल्यूम ड्राई हो जाएगा वहां पे। ये भी एक टेक्निकल टर्म है लेकिन इसे बाद में सीखेंगे। इनफैक्ट चार्ट पे जो आपने तीन टर्म से कहा क्योंकि लेट्स गो वन बाय वन, और हम चाहते हैं कि सिंप्लीफाइड वे में टेक्निकल टर्म्स रोज सुनने वाली टर्म्स है, रेंज में फंसा हुआ है, ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, वॉल्यूम बहुत हाई है, इनको समझना बहुत जरूरी है। और ये चार्ट एनालिसिस में अगले एपिसोड में और भी कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तीन कॉन्सेप्ट उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को जरूर समझ आई होगी। इनफैक्ट अगर हमारे व्यूअर्स भी चार्ट एनालिसिस को लेकर या फिर किसी न्यूज इवेंट को, क्योंकि अब से हम एक नया सेगमेंट भी शुरू कर रहे हैं जिसमें आप कोई भी करंट सिनेरियो, कोई भी न्यूज इवेंट, चाहे इन्फ्लेशन को लेकर हो, आरबीआई के मूव को लेकर हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर हो, कोई भी इवेंट को समझना चाहते हैं कि उसका बाजार पर किस तरह से इफेक्ट आएगा, वो भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है,
समझेंगे एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग न्यूज इवेंट भी। लेकिन व्यूवर को जाने से पहले याद दिला दें, बाजार शास्त्र @znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मार्केट से जुड़ी कोई साइकोलॉजी समझना चाहते हैं, चार्ट एनालिसिस सीखना चाहते हैं, या फिर किसी न्यूज इवेंट का इम्पैक्ट समझना चाहते हैं, ईमेल जरूर करें। आपकी पार्टिसिपेशन शो के लिए बहुत जरूरी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र, सुनील मेरे साथ बने हुए हैं। सुनील, न्यूज़ इवेंट्स का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पर। अभी हाल ही में जिस तरह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमने देखी, हमने देखा कि सलमान खुर्शीद पर, लॉ मिनिस्टर है, उन पर कहीं चार्जेस लगे, रॉबर्ट वाड्रा पर भी लगे, कहीं ना कहीं वो यूपीए को इफेक्ट भी करता है। और उसके बाद हमने ये देखा कि मनमोहन सिंह ने शायद एक डैमेज कंट्रोल या फिर एक रेगुलर एक्सरसाइज के चलते अपनी कैबिनेट को शफल भी कर दिया। क्या इन चीज़ों का बाजार पर फर्क पड़ता है, किस तरह से फर्क पड़ता है अगर पड़ता है तो? आपने दो क्वेश्चन पूछा है, दो पार्ट है उसका। मैं पहले पार्ट का जवाब देता हूँ आपको। देखिए, करप्शन के जो चार्जेस लगे हैं, आप ये मत समझिए कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही करप्शन है। मार्केट जो है बहुत बड़ी चीज़ है। मार्केट के अंदर जैसे हमने बात किया, बहुत स्मार्ट लोग काम करते हैं, बहुत स्मार्ट पार्टिसिपेंट हैं इसमें जो काम करने वाले लोग हैं। तो आज वो हिंदुस्तान में ही काम नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में कई कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पर हिंदुस्तान से ज़्यादा करप्शन है एक्चुअली। और यहाँ पर अभी क्या है, सब चीज़ें बाहर आनी शुरू हो गई है। मार्केट को सिर्फ एक चीज़ पसंद नहीं आता है, वो होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी अगर नहीं होगा तो चार्जेस लगेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छा है मार्केट के लिए। मार्केट देखिए, आप चार्जेस लगने के बाद भी मार्केट नीचे नहीं आया जी। रीज़न ऑफ दैट, रीज़न क्या है कि मार्केट को कहीं ना कहीं ये आशा है कि आने वाले 2-3-4 सालों में ठीक हो सक। कोई भी चीज़ अगर उठनी शुरू होती है तो उसके सही होने का रास्ता वहीं से खुलता है। राइट। जब आप सफाई करेंगे तो धूल तो उड़ेगा। राइट। धूल तो उड़ेगा, आपके कपड़ों पे भी लगेगा, चेहरे पे भी लगेगा। धूल उड़ रहा है, इट मीन सफाई शुरू हो चुका है, यानी चीजें क्लियर आउट हो रही हैं। क्लियर हो रही हैं चीजें कहीं ना कहीं। मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं समझ में आता है सिर्फ जी। पीछे हुआ क्या, दो लोगों पर चार्ज लगा, दोनों ऐसे थे जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, तो मार्केट को कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट हुआ। लेकिन जब बीजेपी पे भी आरोप लगने शुरू हुए तो मार्केट की वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई कि टाइम से पहले इलेक्शन हो सकते हैं जी। तो मार्केट फिर से रैली, यानी मार्केट को थोड़ी तसल्ली हो गई कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पे यूपीए पे एलिगेशन लग रहे हैं, अगर दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पे भी लग रहे हैं तो यानी मिड टर्म पोल होने का कोई सिनेरियो नहीं दिखता। हां, उसमें कोई सिनेरियो नहीं। और आपका दूसरा पार्ट है कि जो हमारे रीशफल हुआ कैबिनेट में, उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लोगों के हमने भी बोला सुना भी कि जवान लोग आ गए, कैबिनेट जवान हो गई। मेरा मानना यह है, रॉबर्ट चाहे जवान हो या बूढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चलाना पीछे से ही है किसी ने, तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन ठीक है, अभी क्या होता है वो आगे देखते हैं, लेकिन इन चीज़ों से मार्केट को कोई बहुत अच्छा सा फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइट, क्योंकि कई बार हम एक्सपर्ट्स के द्वारा सुनते हैं इसलिए थोड़ा सा एक डाउट आ जाता है। लेकिन इन सिनेरियो, इस पर्टिकुलर इवेंट का, हो सकता है दूसरे पॉलिटिकल इवेंट्स का फर्क पड़ता हो, लेकिन इस तरह के जो चार्जेस लगे, बहुत वैलिड पॉइंट बताया यहाँ सुनील ने, क्योंकि यूपीए पे कांग्रेस पे लगे और साथ ही साथ बीजेपी पर भी लगने लग गए, तो शायद मार्केट को क्लियर हो गया कि एलिगेशन सभी पॉलिटिकल लीडर्स पर लग रहे हैं, मिड टर्म पोल का कोई सिनेरियो नहीं है। तो न्यूज इवेंट्स का इफेक्ट तो पड़ता है, पॉजिटिव भी पड़ सकता है और नेगेटिव भी पड़ सकता है। फिलहाल जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई है उसका कोई बुरा इफेक्ट मार्केट पर नहीं पड़ा। जब ही देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में दिखी, भले ही चाहे एक रेंज में दिखी, उसको पॉजिटिव लेके चल रहा है मार्केट, मान के चल रहा है कि अगर ये चीजें उठ रही हैं तो ये कल को ठीक हो सकती हैं जी। जी चलिए, यानी न्यूज इवेंट्स को भी यहाँ समझने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो बनी हुई है उससे बाजार जरूर उसे एंटिसिपेट कर चुका है, डिस्काउंट इन कर चुका है और वो अभी भी एक अप ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे, लेकिन अपने व्यूअर्स को जाते जाते दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे जाएं। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, और आपको भी शुभ दीपावली। कोई मैसेज अगर आप अपने हमारे व्यूअर्स को देना चाहें दिवाली पर? मैसेज यही है सिर्फ कि जो भी करिए सिस्टम से करिए, जो भी करिए समझ से करिए, आंखें बंद करके पैसा मत लगाइए और इंडिया पे भरोसा रखिए, ठीक है सब। चलिए बिल्कुल, और अपने पर भी भरोसा जरूर रखिए। और इसी के साथ
शो को यहीं फिलहाल समेटेंगे, लेकिन एक बार जाते आते फिर से याद दिला दें कि बाजार शास्त्र @ZeeNetwork.com पर हमें ईमेल करना ना भूलें अगर आपका कोई सवाल है। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शो को देखने के लिए, इससे जुड़े रहने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।